सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन ने जुमेरात को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। यह हैरानकुन पेशरफ्त जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के मुस्ताफी होने के ठीक एक दिन बाद मंजरे आम पर आई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उस बेंच में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, अजमत सईद और एजाजुल हसन शामिल हैं। इसी बेंच ने पानामा पेपर्स के केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला जारी किया था। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 2016 के पानामा पेपर्स में जेरे इंकशाफ करप्शन के इल्जाम पर 10 साल कैद और $10.6 मिलियन जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 1990 के अवाइल में मंजरे आम पर आने वाले पानामा पेपर्स के मुताबिक नवाज शरीफ के बच्चे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ऑफशोर कंपनियों के जरिए लंदन में जायदादें खरीदने में शामिल थे। ताहम उस वक्त बच्चों की उम्र के मद्देनजर ख्याल किया जाता है कि ये जायदाद खुद नवाज शरीफ ने खरीदी थी। पानामा लीक में नवाज शरीफ और इनके खानदान के बारे में क्या इंकशाफात हुए? पानामा लीक में नवाज शरीफ और उनके खानदान के बारे में क्या इंकशाफ हुआ? 2016 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात जब पानामा पेपर सामने आए, मुझे वो दिन आज भी याद है क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर ने फोन करके पानामा पेपर्स का बताया। इसमें शरीफ फैमिली का नाम लिया गया है। कुछ कंपनियां जिनके बारे में हम सुराग लगा रहे थे, जिनका ताल्लुक हसन नवाज से है, उनकी कड़ी बरतानिया में कंपनी हाउस से मिलती है। कुंबर ग्रुप के नाम से हम वाकिफ थे। जब हमने उन नामों को देखा तो हमें मालूम हुआ कि पानामा पेपर्स में जो कुछ भी सामने आया है उसके मुकाबले में हमारे पास उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा तफसीलात हैं। पानामा पेपर्स ने मोज़ेक फोंसेका पर दस्तावेज लीक की थी। इसने एवंसफील्ड अपार्टमेंट की मलकियत का इंकशाफ किया। नेस्कॉल और नेल्सन नामी दो कंपनियों की मालिक मरियम नवाज। दस्तावेजात में ये भी था कि किस तरह शरीफ खानदान ने कुंबर ग्रुप के जरिए कर्जे भी लिए हुए हैं। तो पाकिस्तान में लोगों के लिए यह हैरान कुन इंकशाफ था क्योंकि ये तहकीकात बैनुल अक्वामी सतह पर सामने आई थी। इन पर इल्जाम आयद नहीं किए जा सकते कि ये सियासी इंतकाम का नतीजा है। ये लीक्स दस्तावेजात बैनुल अक्वामी जर्नलिज्म के बैनुल अक्वामी कंसोर्शियम के मुताबिक थी, जो कि सियासी मैदान में बहुत ज्यादा मोतबर जरिया समझा जाता है। पहले कई बरसों से शरीफ खानदान का कहना यह था कि उन पर लगाए गए इल्जाम सियासी बुनियादों पर लगाए गए हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स शरीफ फैमिली ने 90 की दहाई के अवाइल में खरीदे थे, जब वो पहली बार पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे। तब से बार बार तहकीकात हो रही थी। तहकीकात शुरू की गई फिर बंद हो गई, लेकिन एक बार जब ICIJ ने वो कागजात दिखाए, बैनुल अक्वामी तौर पर मुसद्दका थे। उस वक्त इमरान, जो कभी भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या किसी डील का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने इस मौका का फायदा उठाया। सियासी तौर पर हलचल मच गई। इसके बारे में नोटिस लिया गया। पहली बार पानामा पेपर्स पाकिस्तानी अवाम के नोटिस में ये बात लाए कि नवाज शरीफ अपने सियासी मंजरनामे में क्या करते रहे, क्या छुपाते रहे। अब ये सब बैनुल अक्वामी तौर पर सामने आ चुका था, और क्योंकि इसमें दुनिया भर के जाने माने नाम शामिल थे, इससे इस दस्तावेजात में मजीद वजन पैदा हुआ। ये बातें पाकिस्तान में वैसे तो चल ही रही थी, लेकिन अब मजीद खुल के सामने आ गई थी। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने 23 फरवरी 2023 को सरगोधा में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मजहर अली नकवी को खुलेआम सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। कतोला नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन न सिर्फ तीसरे सीनियर तरीन जज हैं, बल्कि वो इस साल अक्टूबर में पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस बनने के उम्मीदवार भी थे। वो एजाजुल हसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। पानामा पेपर स्कैंडल एक बैनुल अक़वामी नोयत का हाई प्रोफाइल केस है, जिसकी बिना पर उस वक्त के वजीर आजम को बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में ओहदे से फारिग कर दिया गया था। उन्हीं दस्तावेजात के मंजरे आम पर आने के नतीजे में पानामा गेट केस के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी। वो पानामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाहेल करने वालों में बैठा था। नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून अपने रिवायती सियासी हरबों के तहत इदारों को धमकियां देने और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने में सुर्खियों का हिस्सा बनती आई है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी ने गुज़िश्ता साल 28 मई को अवामी कारकुनों के इज्तमा से खिताब करते हुए मुश्तरका तहकीकाती टीम के जजेस को खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि शरीफ खानदानों की छानबीन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके और उनके ख़ानदान और हत्ता के उनके बच्चों के लिए भी संगीन नतायज होंगे क्योंकि उन्हें कभी ना कभी रिटायर होना है। तो जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों हम तुम्हारा युवा में हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको, आज हाजिर सर्दी दो कल रिटायर हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए, पाकिस्तान की जमीन।